हमने देखा, आपने एक बड़ा हमला बोला कांग्रेस को, कांग्रेस के सैम पिट्रोडा ने जो बोला हुआ तो हुआ, चौरासी के दंगों को लेके। आप किस तरह से देखते हैं इस बयान को, क्या इसको आप कांग्रेस का व्यू मानते हैं या एक इंडिविजुअल का व्यू मानते हैं? ये कांग्रेस की मानसिकता का प्रतिबिंब है। कांग्रेस ने सालों तक यही किया है, कांग्रेस का यही व्यू पहले से था। इसलिए राजीव गांधी ने कहा था कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन में हिलती है। उसके बाद इतने साल हो गए, आयोग बनते गए, कमीशन बनते गए, एक भी व्यक्ति पर सजा नहीं हुई। इतना ही नहीं, कमलनाथ को उन्होंने पंजाब का प्रभारी बना दिया था। जब पंजाब में विरोध हुआ सिख दंगों को बात को लेकर के, तो उसको हटाया और आज उसको मुख्यमंत्री बना दिया। तो इसको किसी एक व्यक्ति के विचार मत मानिए, ये पूरे कांग्रेस की सोच का प्रतिबिंब है। कांग्रेस इसी अहंकार से भरी हुई है। देश को कितना नुकसान हुआ, उनकी यही मानसिकता है, हुआ तो हुआ। देश लूट गया, उनकी मानसिकता है, हुआ तो हुआ। ये कांग्रेस के रग रग में भरा पड़ा है और ये अहंकार ही है जिसने कांग्रेस को 44 सीटों पर लाकर के खड़ा कर दिया है और अब जनता उनको इससे भी नीचे ले जाएगी।